नमस्कार दोस्तों, NMDC शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.44% की आपको क्लियर तेजी दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ अगर देख रहे हैं तो स्टॉक में यहाँ पे डोजी कैंडल बन रहा है। धीरे धीरे स्टॉक मतलब छोटी छोटी कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम समझेंगे, थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर कौन सा चल रहा था, मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ और थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लगभग अगर देखेंगे तो मैंने 6 महीने का डाटा लगा दिया। ये देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, 6 महीने का डाटा आपके सामने मैंने लगा दिया है। अगर आप देखेंगे इन 6 महीने के अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है तो सभी का यहाँ पर जो लॉस चल रहा था, क्लियर लॉस था। तो अभी यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा रिकवर करता हमें दिखाई दे रहा है, एक बाउंस करता हमें देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ें भी पहले से हमारे सामने क्लियर था, क्योंकि हमारे सामने सपोर्ट लेवल क्लियर था, तो इसलिए स्टॉक यहाँ पर बाउंस करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हाई था और ये बाउंस कर भी रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर ध्यान से अगर समझेंगे, मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं। पहले देखिए यहां पर एक डबल बॉटम का पैटर्न बना, प्राइस एक्शन पैटर्न। डबल बॉटम जब भी बनता है तो इसका नेकलाइन ब्रेक होते ही स्टॉक में तेजी आता है। तो नेकलाइन ब्रेक हुआ और स्टॉक में एक शानदार तेजी भी देखने को मिल गया। क्लियर है, व्यू बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर भी एक डबल बॉटम का पैटर्न दिख रहा है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, आप देखेंगे एग्जैक्ट डबल बॉटम बना है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी बन रहा है कि हमारे सामने एक डबल बॉटम की शुरुआत हो रहा है और इसका नेकलाइन आ रहा है 238 में। तो जैसे स्टॉक अपना 238 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक बड़ी छलांग, बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, आपको पता है जब इस तरीके से कैंडल बनता है तो उसमें टारगेट किस तरीके से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर होता क्या है ना, जितनी बड़ी हमारी ये मूव रहता है यहाँ से, तो उतनी बड़ी हमारा टारगेट भी रहता है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पर हम देख रहे थे चार्ट को, तो हमारे सामने जितना रिस्क था तो इसका रिस्क से ज़्यादा मिल गया हमें। देखिए 1:5, राइट। तो हमें रिस्क रिवर्ड देखने को मिल गया। अब अगर हम इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे सामने अभी भी यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर जितना रिस्क है तो उसका अगर रिस्क उस रिवॉर्ड को देखेंगे तो अभी तक आया नहीं है। मतलब मैं आपको पहले से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से मूवमेंट बनने की संभावना हाई है। तो यहाँ पर अगर हम 1:1 भी मानेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तक का टारगेट हमें रखना चाहिए, राइट। तो अगर हम रेजिस्टेंस की भी बात करें तो एक तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जो कि 255 में आ रहा है, और एक आ रहा है यहाँ पर हमारे सामने 247 का, राइट। नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है 275 का। तो ये टारगेट हमारे लिए वैल्यूबल नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर और एक भी टारगेट है, हम इसमें भी फोकस कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ हमें क्लियरली दिख रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, इसका नेकलाइन को ब्रेकआउट होने के बाद ये सभी टारगेट हिट होता हुआ नजर आएगा। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। और इनकेस अगर अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन करे, गिरावट भी आएगा, अपने SL के बारे में जरूर सोच के रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने के सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज में है। धन्यवाद।